मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। नमस्कार, मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए ये खबर। पूर्व में मध्य प्रदेश में बैठी कमलनाथ सरकार द्वारा भूमाफिया के खिलाफ एक अभियान चलाया गया, जिसमें भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से जो कब्जा किया गया था उसे हटाकर कई भूमाफिया की कमर तोड़ दी थी। साथ ही वर्तमान में बैठी शिवराज सरकार द्वारा प्रदेश से लेकर गांव तक के भूमाफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई भूमाफिया के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई। प्रदेश भर के गांव तक में शिवराज सरकार द्वारा भूमाफिया के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से हड़कंप मची हुई है और भूमाफिया सिर झुकाते भागते फिर रहे हैं। साथ ही धार जिला प्रशासन द्वारा भी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन हम आपको बताते हैं कि सरदारपुर तहसील के ग्राम दशे में भी भूमाफिया के द्वारा तालाब की पाल पर अतिक्रमण का पक्का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन शिकायत के बावजूद अधिकारी मामले में पूरी तरह दिलचस्पी नहीं ले रहे। माज खानापूर्ति करके मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तालाब की पाल पर पक्के निर्माण में भूमाफिया के साथ प्रशासनिक अधिकारी व राजनीतिक षड्यंत्र का भी हाथ है। अगर इस पर कार्रवाई होती है तो कई नेता व प्रशासनिक अधिकारी के नाम भी बाहर आ सकते हैं। अतिक्रमण के मामले को लेकर जब अधिकारियों से चर्चा की गई तो अधिकारी भी पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। इससे क्या साबित होता है? शासन भले ही अपनी नीयत साफ रखे और जनहित में ऐसे कदम उठाए जिनका बरसों से जनता को इंतजार था, मगर जिससे उसके कई नुमाइंदे उसकी योजना पर पानी फिरते नजर आ रहे हैं। वही दुख का विषय है कि देश भर में भूमाफिया के खिलाफ चले अभियान की लोकप्रियता जग जाहिर है। शहरों से लेकर गांव तक जिस तरह अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चले हैं, हर्ष का विषय है। मगर दसाई में सरकारी जमीन पर तालाब की पाल खुलेआम अतिक्रमण की शिकायत के बाद उस पर ठोस कार्रवाई नहीं होने का मामला संदिग्धता उत्पन्न कर रहा है। अब देखना यह होगा कि अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई करते हैं या सरकार के अभियान पर पानी फेर देंगे अधिकारी। दसई से राजकुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट।